बिजली विभाग ने शहर के मुख्य मार्गों से निकाली रैली। खबर औरैया जिले से है। बिजली बकायेदारों के लिए बिजली विभाग ने राहत की सांस देने के लिए एकमुश्त समाधान योजना निकाली है। सदर बिजली डिवीजन में संचालित एकमुश्त समाधान योजना के प्रति लोगों में जागरूकता को लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों ने जागरूकता रैली निकाली। रैली औरैया के बिजली विभाग कार्यालय से होकर शहर में सुभाष चौक, सदर तहसील, सदर बाजार होते हुए शहर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई। इस रैली में बिजली विभाग के अधिकारी व कर्मचारी हाथों में तख्ती लेकर जागरूकता करते नजर आए। रैली में एक्सीएन मीटर शंकरलाल, अग्निहोत्री, एक्सीएन डिस्ट्रीब्यूशन संतोष कुमार, एसडीओ देवी सिंह, जेई विवेक खड़े समेत अन्य स्टाफ के लोगों ने हिस्सा लिया। एक्सीएन संतोष कुमार ने बताया कि बिजली चेकिंग टीम ने शहर के मोहल्ला आवास विकास नारायणपुर के अलावा गांव कंचोसी बाजार, क्योंटरा, सेंगनपुर, भीखेपुर, हैदरपुर में चेक इन अभियान चलाया, जहां टीम ने 37.75 लाख रुपए के 127 बकायेदारों के कनेक्शन काटे। इस दौरान टीम ने 18.45 लाख अन्य बकायेदारों से वसूल किया। उन्होंने बताया कि एकमुश्त समाधान योजना के तहत शहरी क्षेत्र में 86 और ग्रामीण क्षेत्रों में 358 बकायेदारों ने पंजीकरण कराए हैं। ये उपभोक्ताओं के जागरण, जन जागरण हेतु है। सरकार जो है इस समय घरेलू और निजी नलकूपों पर 100% ब्याज में छूट लाई हुई है। उसको जनता को बताना है, जो 15 मार्च तक जमा कर दे, पैसे से करा लेंगे, उनको 31 मार्च तक छूट मिल जाएगी। ये बहुत अच्छा मौका है लोगों को फायदा उठाने के लिए। जनता से हम अपील करेंगे इस छूट का फायदा उठाएं और भविष्य में अपना बिल टाइम से जमा करें। जो बिजली जलाते हैं उसके हिसाब से वो बिल जमा करेंगे, जिससे विभाग सही तरह से चल पा रहे। छूट कितने परसेंट छूट आई हुई है? 100% ब्याज की छूट है इस समय। ये हम आवास विकास से होते हुए, काली मंदिर से नारायणपुर होते हुए और जालौन चौराहे से होते हुए ऐसे पूरे और हम प्लान बनाए हुए हैं कि घूम के लोगों को बता सकें। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए औरैया से जाहिद अख्तर की रिपोर्ट।